अगर आपको ट्रू कॉलर पर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, अनेबल टू कनेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। सो गाइस, ये क्यों होता है और आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो? सो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है, और फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने ट्रू कॉलर पर लॉन्ग प्रेस करना है। ट्रू कॉलर पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो अब आपको यहाँ सबसे पहले इस परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ सारी परमिशन को अलाउ कर रखा है। इस तरह से आपको भी यहाँ अपने ट्रू कॉलर पर सारी परमिशन को अलाउ कर देना है, और इतना करने के बाद आपको वापस आना है। और वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पर स्टोरेज एंड कैश वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है। और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ अपने ट्रू कॉलर पर क्लियर कैश पर क्लिक करके अपने ट्रू कॉलर का कैश क्लियर कर लेना है, और इतना करने के बाद आपको वापस आना है। और फिर वापस आने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल डेटा एंड वाईफाई वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है। और इसको ओपन करने के बाद अगर यहाँ पर आपके ट्रू कॉलर पर बैकग्राउंड डाटा वाला ऑप्शन ऑफ है, सो गाइस आपको इसे ऑन कर लेना है। और इसको ऑन करने के बाद इसी के नीचे अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा यूसेज वाला ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, आपको इसे भी ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको वापस आना है, और फिर वापस आने के बाद आपको यहाँ पर फोर्स स्टॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पर अपने ट्रू कॉलर को आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद आपको वापस से अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है, और फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करना है कि आपका इंटरनेट सही से वर्क कर रहा है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको ट्रू कॉलर सर्च करना है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि आपके ट्रू कॉलर पर कोई अपडेट आया है। अगर आपके ट्रू कॉलर पर कोई अपडेट आया है तो आपको अपने ट्रू कॉलर को अपडेट कर लेना है। कई बार हम सालों तक अपने ट्रू कॉलर को अपडेट नहीं करते, जिसके कारण उसमें नई नई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। सो गाइस, ट्रू कॉलर को अपडेट करने के बाद आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। अब फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है, और फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ अपने फ़ोन के एक बार रीबूट, रिफ्रेश या रीस्टार्ट जो भी ऑप्शन आपके फ़ोन में है वो कर देना है। इतना करने के बाद जब आप अपने ट्रू कॉलर को ओपन करोगे तो गाइस आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो इस तरह से आप अपने ट्रू कॉलर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।